न्यू वीडियो ऑफ एज गेम यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये है GTA 5 सीरीज का एपिसोड 6। Okay. तो गाइस आज के एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग ने एक नए गैंगस्टर से मिलने वाले हैं, बहुत सारी नई नई चीजें करने वाले हैं और भाई आप आज ना बहुत ज्यादा खतरनाक से मिशन भी होने वाले हैं। बट फिलहाल मेरे को थोड़ी देर पहले गाइस फ्रैंकलिन का फोन आया था और फ्रैंकलिन ने मुझे ना अपने घर बुलाया, और पुराने वाले घर नहीं नया घर, क्योंकि गाइस इसको ना लेस्टर ने एक नया घर गिफ्ट कर दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी हमारा घर देख रहे हो, हमारा घर हमारे घर से भी ज्यादा लग्जरी घर है भाई उसके पास। तो भाई लोग अभी ना मैं जल्दी जल्दी से अपनी एक बाइक के ऊपर बैठता हूं। भाई मैंने वैसे भी यहां पर बाइक सेव कर ली क्योंकि मेरे को बाइक बहुत ज्यादा पसंद है, अभी बाइक आप लोगों को बताइए गाइस। एंड गाइस अभी ना मैं जल्दी जल्दी से चलता हूं, आप लोगों को भी दिखाता हूं भाई फ्रैंकलिन का नया घर, वो तो भाई अभी बहुत ज्यादा खुश है। लेस्टर ने उसको एक घर दे दिया है तो मतलब उसको क्या ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा घटिया घर में रहता था, और अभी उसका जो घर है ना भाई वो काफी ओपी है, उसको देखने जाना पिंगा। मैंने फ्रेंडली से लोकेशन मांग ली क्योंकि मेरे पास लोकेशन नहीं है उसके नए घर की, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। मैं भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ भाई वो कैसा है। वैसे तो उसने काफी ज्यादा तारीफ किया, उसने पिक्चर्स भेजी थी तो उसमें तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा था उसका घर, तो चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं देखते हैं। ओके भाई लोग, तो अभी हम लोग फिलहाल बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं फ्रैंकलिन के नए घर के। एंड ये है फ्रैंकलिन का नया घर भाई, एक बार देखो जरा क्या ही लोकेशन भाई, पहाड़ों पे इसको घर मिला हुआ है एकदम मस्त वाला। तो यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है अगर इसके पास अपना बाहर में भी पार्किंग यहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकता है, ये साथ में एक पर्सनल पार्किंग भी जहाँ पर ये अंदर जाके पार्क कर सकता है। फिलहाल ना गाइस फ्रैंकलिन तो घर के अंदर नहीं है, तो गाइस हम लोग फ्रैंकलिन से तो आपको नहीं मिलवा पाएंगे बट उसका घर आपको जरूर दिखा दूंगा। भाई देखो जरा एक बार भाई क्या कर रहे हैं, ये बाहर का एरिया है और भाई ये देखो भाई यहाँ से इसका घर स्टार्ट होता है। अंदर एक बार रूम्स देखो भाई, हम लोग अंदर जा सकते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता उसने खुला छोड़ा हो घर, आई डोंट थिंक उसने खुला छोड़ा है बट फिर भी ट्राई करते हैं भाई। यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई, देखो सर एक बार भाई, नहीं खुला है, खुला है यहाँ पर देखो भाई क्या ही तो घर है, किचन है उसकी और यहाँ पर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर सोफा एरिया, मतलब लिविंग एरिया मस्त है एकदम भाई खतरनाक। और व्यू देखो जरा एक बार गाइस भाई पूरा, और व्यू देखो गाइस एक बार जरा आप लोग क्या ही मस्त आता है यहाँ से, वो लॉस एंजेलिस पूरा का पूरा दिखाई देता है यहाँ से। देखो गाइस आप लोग यहाँ से वो बैठ के एकदम आराम से पूरा का पूरा व्यू ले सकते हैं मस्त वाला। और गाइस डबल फ्लोर है, मैं यहाँ से कूदता हूँ और ये देखो गाइस यहाँ पर इसका जो है ना निचले वाले फ्लोर में यहाँ पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। गलत टाइम मार दी भाई, माइकल ने गए यहाँ पर गलत टाइम मार ली, चलो ओके यहाँ पे चलते गए अंदर। एंड ये देखो भाई ये है इसका, वैसे ना माइकल को भाई करना नहीं आता गाइस को, चलो ऊपर चलते गए फटाफट से। एंड गाइस ये देख सकते हो ये इसका कुछ घर है यहाँ पर, जो कुछ भी दिया हुआ है, और जो फ्रैंकलिन का जो दोस्त है ना, सॉरी दोस्त बोल रहा हूँ, डॉग है ना उसका घर भी यहाँ पर इसने दिया हुआ है भाई छोटा सा। तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूम है ये रूम, पता नहीं कौन सा हम लोग यहाँ खोल नहीं सकते। गाइस ये फ्रैंकलिन का बेडरूम है और अभी बॉक्स वॉक्स पड़े हुए क्योंकि अभी शिफ्ट हो रहा है उसको, कुछ दिन पहले एक दो दिन हुए मतलब ये घर मिले उसको एक दो दिन ही हुए। ओके भाई लोग, तो अभी ना मेरे को जिमी का फोन आया और भाई कुछ सीन हो गया घर पे ना, तो मेरे को जल्दी जल्दी से अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि फ्रैंकलिन का घर तो मैंने आपको दिखाई दिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। हम लोग फ्रैंकलिन से तो बाद में मिल लेंगे, उसके घर भी आएंगे, उसने मेरे पार्टी पे भी बुलाया, बट आप लोग फटाफट से निकलते जल्दी जल्दी से और घर पहुंचते क्योंकि ना मेरे को जिमी ने इसके बेटे ने बुलाया, कुछ जरूरी काम है तो फटाफट से जाना पड़ेगा। चलो भाई लोग जल्दी जल्दी से चलते हैं, और अपने पास ना यार स्लो सी कार है यार बहुत ज्यादा, अपने को ना एक फास्ट कार होना बहुत जरूरी है भाई, ये बंदे कैसे चलते हैं रोड पे यार। ऊपर से अपने जिमी को इतना भारी भरकम उठो बिठा के रखा हुआ है तो गाड़ी वही गाड़ी तो एकदम जो है दब चुकी है, तो अपने को ना एक अच्छी स्पोर्ट्स कार भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छी स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेंगे। बट फिलहाल के लिए चलते जल्दी जल्दी से इसके फ्रेंड से मिलते हैं, पता नहीं भाई कौन इसका फ्रेंड, इसने अभी तक अपने बाप को मतलब माइकल को तो अभी तक बताया नहीं है, तो चलो जल्दी से देखते हैं गाइस कौन है। ओके भाई लोग, तो हम लोग लोकेशन पे तो पहुंच चुके ऑलमोस्ट, और उसका जो ये फ्रेंड है पीछे पीछे अंदर जाना है, शॉप के अंदर जाना है, यहाँ पर जाना है अपने को भाई। मेरी ना ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी खतरनाक है आप लोग देख ही पा रहे हो, और ये बुड्ढा उड़ गया, कोई बात नहीं चलो होता है कभी कभी ऐसा। तो गाइस ये है इसका फ्रेंड ट्रेवर का, भाई साहब ट्रेवर का नहीं इसका बेटे का, बेटे का मतलब जो भी है ये फ्रेंड जिमी तो... जिमी। ओके भाई लोग, हम लोग ने गाइस इससे तो बात कर लिए, लेकिन गाइस ये जो बंदा है भाई इसने तो इसको पता नहीं कोकेन या फिर ड्रग्स दिए कुछ तो दिया इसने, और अब ये जिमी बोल रहा है कि वापस घर जाना है, तो गाइस हम लोग ने अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं फटाफट से घर एंड देखते हैं भाई सीन क्या है। उसने इसको कुछ तो पकड़ा है भाई कप कप के अंदर भी, तो फटाफट से घर चलते हैं देखते क्या सीन है। ओके भाई लोग, जैसा मुझे लगा ही था ये वैसा ही है कुछ, तो गाइस भाई जिमी ने ना इसको कुछ पिला दिया है ड्रिंक वगैरह, और उसके अंदर पता नहीं क्या था, अभी कार भी नहीं चला पा रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया है, कार से इधर उधर जा रही है, उस बंदे ने ड्रग्स डाली हुई थी, ड्रग्स या पता नहीं क्या था भाई, उसने उसको पिला दिया और अभी ना ये बिल्कुल भी कार नहीं चला पा रहा भाई, बहुत ज्यादा मैं इधर मोड़ रहा हूँ तो उधर जा रही है, इधर मोड़ रहा हूँ तो उधर जा रही है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो फिलहाल ना इसको जल्दी जल्दी से घर पहुंचाना पड़ेगा भाई, माइकल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर जिमी ने ना भाई अपने बाप को माइकल को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खुद निकल गया भाई। भाई ये बेटा भी सही है यार, ये भाई बहुत बहुत बुरा बंदा है यार, ये बहुत ज्यादा बुरा है। तो अभी माइकल बेचारा यहाँ पे लेटा हुआ है एंड अब इसको कोई लेके जा रहा है, इसको घुसार रहा है भाई। हेलो ये माइकल का कोई कौन लेके चला गया इसको, ओए ये कहाँ पे आ गया भाई। अभी हम लोग ना गाइस कुछ खतरनाक जगह पर पहुंच चुके हैं, ये क्या है बंदर,
भाई तो गाइस यहां पर ना माइकल नशे में अभी या तो ये नशे में या फिर इसको सच में बंदरों ने घेर लिया है। नहीं 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 आसमान से भी क्या रहा है यूएफओ। ओ भाई ये क्या है भाई नशे में अभी यूएफओ लेके चला गया भाई माइकल को। ये क्या हो रहा है भाई ये गलत है क्या सीन हो रहा है भाई रुको जरा देखना पड़ेगा गाइस क्या सीन है ये स्पेसशिप के अंदर। भाई यहां पर एलियंस क्या कर रहे हैं माइकल के साथ भाई एलियंस के शरीर को देख रहे हैं साहब। ओके भालू तो उसको भी नीचे फेंक दिया है भाई उसने यूएफओ से भाई एलियंस ने। ये क्या सीन है भाई ये गिरने वाला है पिटने भाई मर जाएगा भाई ये मर जाएगा ये क्या हो रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ये पूरे उसमें भाई अभी वो भाई ये पूरे नशे में जा चुका है भाई नशे में दूध उसके बेटे ने इसको नशे में दूध करवा दिया और गाड़ी से नीचे उतारना है मुझे ऐसा लगता है। ओके चलो मैं इसको नीचे उतारता हूं गाइस। ओके भाई लोग तो हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले हैं और ये भाई बहुत जोर से बचने वाला है नीचे ये। ओके आई थिंक अब जाके इसका नशा उतरेगा और ये नींद से उठेगा। ओके भाई लोग तो अभी फाइनली इसका नशा जो है ऑलमोस्ट उतर गया है नहीं अभी भी नहीं उतरा है और अभी भी ये नशे में पूरा एकदम और अभी इसको ना घर जाना है। कैसे चल रहा है ये भाई घर जाने के लिए अपने को एक कार चाहिए लेकिन कार इधर दिख नहीं रही बहुत ज्यादा बुरा कर दिया भाई। ओके गाइस फाइनली ये होश में आ चुका है भाई रात भर पता नहीं ये किस नाली में पड़ा हुआ था भाई कहाँ पड़ा हुआ था कपड़े भी चोरी भाई अभी जल्दी जल्दी से ना मैं गाड़ी में बैठता हूँ कोई गाड़ी चलाते जिमी जैम की ना जिमी जैम की तो हालत टाइट करनी पड़ेगी भाई नंगा छोड़ दिया इसको पता नहीं सब कुछ लूट लिया भाई पर्स वर्स सब कुछ निकाल लिया कपड़े वपड़े सब उतार लिया इसके तो फटाफट से ना मैं घर पहुंचता हूँ और देखता हूँ क्या सीन है। ओके भाई लोग तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके अब जल्दी जल्दी से ना अंदर जाते भाई जिमी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं कसम से आज तो भाई मार के रखना है बाप के साथ ऐसा करेगा भाई जरा यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर है। ओके यहाँ पर लेटर छोड़ा हुआ है माइकल के लिए चलो इसको पढ़ता हूँ फटाफट चैट आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई लोग अभी ना यहाँ पर सीन हो गया है जो इसकी वाइफ है माइकल की वाइफ है अमेंडा उसने भाई एक लेटर छोड़ा है तो भाई लोग जो इसका बेटा है ना जिमी उसने ना अपनी माँ को झूठ वूठ बोला कि भाई ये नशे करता है इसने इसने नशे किए ड्रग्स लिए बल्कि जिमी ने इसको पिलाया था और वो ये कह रही है कि उसकी वाइफ कह रही है कि भाई तेरी हालत ठीक नहीं है तू फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल चुका है वो लोग ना कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर जा रहे हैं इसके घर छोड़ के जा रहे हैं मतलब इसको छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा है कि भाई अगर तू अच्छा इंसान बनता है तो ही हम लोग वापस आएंगे नहीं तो मेरे को लॉयर से बात करनी पड़ेगी और मुझे डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो भाई अभी ना माइकल जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है क्योंकि घर में कोई भी नहीं है सब लोग जा चुके हैं इसे अकेला छोड़ के। ओके भाई लोग तो अभी ना मेरे को इसके बेटे जिमी का भी मैसेज आया था भाई जिसने सारा का सारा कांड कराया तो वो ना भाई माइकल की सारी कार्स लेके भाग चुका है यहाँ से। वो कह रहा है कि मेरे पास कार वार नहीं थी तो मेरे को लेनी पड़ी तो भाई यहाँ पर एक भी कार नहीं है यहाँ पर तो भाई यार मतलब क्या ही बोलो भाई जिमी की चोरी कर दिया भाई जिमी ने बहुत बुरा किया भाई माइकल के साथ मतलब अपने बाप के साथ इतना बुरा किया उसने। तो भाई लोग अभी ना घर पे तो कोई भी नहीं यार अपनी हालत टाइट हो चुकी है तो गाइस अपने को ना एक मिशन करना था तो मैं सोच रहा हूँ गाइस क्यों ना अपने पास काफी ज्यादा टाइम है तो भाई एक मिनट रुको इसकी बेटी का फोन आ रहा है मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई लोग अभी इसकी बेटी ट्रेसी का फोन आया था और वो भी इस पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि भाई तू फिर से मतलब गैंगस्टर टाइप बन गया है और भाई तुम मारे जाओगे तो मतलब वैसा ही वो सब भी बोली थी तो इससे ना सारे के सारे इसके घर वाले हैं ना वो इससे बहुत ज्यादा दुखी है। तो यार अभी क्या बट अभी के लिए वो जा चुके हैं घर से तो अपने पास यही है मौका है भाई अपना हम लोग ना अपने जितने भी मिशन है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस चलता हूं मैं जल्दी से एंड देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके भाई लोग तो हम लोग ना लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं मैं ना गाड़ी यहां पर फटाफट से पार्क कर देता हूं एंड यहां से उतरते हैं जल्दी जल्दी से एंड एफबीआई के पास अपने को जाना है क्योंकि पिछली बार भी एफबीआई वालों ने मुझे पकड़ लिया था क्योंकि हम लोग ने ज्वेलरी शॉप लूट किया आप लोगों को याद ही होगा। तो भाई जल्दी जल्दी से चलते अंदर एंड देखते बात करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है अभी पता चल जाएगा। तो गाइस अपने को ना डेव के पास जाना है इससे बात करनी है शायद तो मैं जल्दी जल्दी से जाता हूं एंड देखते गाइस क्या सीन है। ये बैठा है यहां पर डेव एंड चलो बैठते हैं गाइस इनसे बात करते हैं। तो भाई लोग अभी मैंने इनसे बात कर ली है लेकिन ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी जो डेव है ना भाई ये बंदा ये अपने को ना अभी मिशंस देने वाला है तो मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ एंड देखता हूँ भाई ये क्या बोल रहा हूँ। तो चलो गाइस हम लोग ना अभी मीटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं मीटिंग करनी है शायद इसको हमारे साथ बहुत खतरनाक वाली तो चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं। लग रहा है ये हमारे साथ कुछ खतरनाक सा चोरी करवाने वाले भाई ये भी अपने से काम करवाने वाला और वैसे भी ना माइकल अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया इसके घर वाले भी छोड़ के जा चुका है तो मैं फटाफट से फ्रैंकलिन को फोन कर लेता हूँ उसको भी बता देता हूँ सारे का सीन क्या सीन है। ओके भाई लोग तो मैंने फ्रैंकलिन से बात कर ली है उसे मैंने बता दिया कि क्या सीन है उसको हमारी मदद करनी पड़ेगी इस मिशन में क्योंकि भाई यार अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो मैंने फ्रैंकलिन तो मान गया है तो चलो जाए जल्दी से चलते। ओके भाई लोग हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके फटाफट से ना मैं गाड़ी यहाँ पे लेके जाता हूँ एंड कोई ऑयल वाले टाइप की जगह यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर का है ट्रेवर को भी इन्वॉल्व कर दिया इस मिशन के अंदर और फ्रैंकलिन भी आ गया तो अभी तीनों एक साथ है तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या सीन है। ओके भाई लोग तो अभी ना अपने को मिशन स्टार्ट करना है और ट्रेवर और फ्रैंकलिन एक दूसरे को नहीं जानते थे तो माइकल ने ना इन दोनों को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो अभी ना अपने को ये हेलीकॉप्टर को उड़ाना है मतलब चॉपर को जो भी बोलते हैं इसको ट्रेवर और माइकल अभी जा रहे और फ्रैंकलिन पहले ही निकल चुका है मदद करने के लिए तो चलो गाइस अभी हम ना जल्दी जल्दी से चलते हैं और ना मेरे को उतने अच्छे से इसको चलाना आता भी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है
बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छे से उड़ाऊँ. तो चलो अपने को ना इस तरफ जाना है. ओके 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 भाई, इसको उड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई. जितना आसान दिखता है भाई उतना आसान है नहीं. तो कंट्रोलर पे गिर दो ज्यादा मुश्किल रह रहा है हमारे. वही वही तो हम लोग जल्दी जल्दी से गाइस पहुंचते हैं. हम लोग फर्स्ट टाइम अभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो भाई मस्त चीज है वैसे. खतरनाक लग रहा है. मिशन क्या होने वाला है जो हमारे को इतना कुछ करना पड़ रहा है. बहुत ज्यादा क्रेजी मिशन होने वाला है ये. चलो तो हम लोग पहुंचते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है. ओके गाइस तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लोकेशन पे अपने को. वो दबाना ओके भाई. ये बहुत मुश्किल है चलाना ना हेलीकॉप्टर को. ऊपर लेके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. आराम से. नाइस नाइस. आ रहा है ऊपर. आ रहा है ऊपर. आ रहा है. ओके ओके यहाँ पे तो आ गया. और ये भाई उतर जा यार. माइकल कितनी देर बैठा रहेगा भाई. भाई उन्हें क्या बोला है उतारना का इसको यार. इसमें भी आ रहा है हमारे यहाँ पे. यहाँ पे उतारना है. यहाँ पे इस क्रेन के ऊपर. ओके ओके आराम से थोड़ा साइड. भाई उतर जा माइकल. यहीं पे सोने का इरादा है क्या तेरा. भाई उतर जा यार. ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई. भाई हमारे वो ना पंखे ना कट जाए उससे और टूट टूट जाए और सीधा हम नीचे गिरे. बड़ा मुश्किल यार होगा. एक मिनट इसको परफेक्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा. एक सेकंड. ओके भाई लोग तुम लोग लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं. ये अपने को या तो शायद मेरे को लग रहा है हेलीकॉप्टर को उतारना. यहाँ पे उतार ले लैंड करवा. या तो लैंड ही करवा देते फिर. पर लैंड होगा कैसे. ये नीचे नीचे ऊपर इससे लेफ्ट राइट होता है शायद. इससे नीचे ऊपर को कर होगा. भी नहीं हो रहा गाइस. रुको नीचे हो रहा है. अरे अरे रुको रुको ये मैं लैंड ही करवा लेता हूं गाइस अभी ना. हां लैंड ही करवा दे भाई. बीच में जाके लैंड करवा लेता हूं. रुको एक मिनट. यहां पे लैंड करवा देता हूं. ये गाइस हो गया. ओके नाइस. पहुंच गए. ओ भाई नहीं 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 बहुत सही है. अरे बस रुक जा. बस वहां रुक जा आगे इधर. अरे यार कहाँ लेके जा रहा है भाई. ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. A few minutes later. Okay, भाई लोग तो हम लोग यहाँ पे इसको लेके आ चुके हैं एंड अब माइकल उतर जाएगा यहाँ से. भाई नीचे खतरों का खिलाड़ी. भाई ये मिशन बहुत ज्यादा तकड़ा है. ओके हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर. नीचे एक्स एक्स दबा के नीचे जाना है. अपने को नीचे जाना है एंड देखते हैं गाइस अभी. ओके भाई लोग कितनी ऊंचाई पे अभी देखो जरा. एक्स एक्स दबा. एक्स नहीं एक्स से तो हम लोग ये करेंगे ना नीचे. इस तरह नीचे नीचे जाना है हमारे को. जल्दी जल्दी नीचे जाना है अपने को थोड़ा सा. और हमको जाना कहाँ पे किसके फ्लोर पे जाना है किसकी उसमें जाना भाई है वो तो पता चल जाएगा. चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं गाइस. और ये एफबीआई का ऑफिस है मतलब समझ रहे हो भाई. एफबीआई इतने खतरनाक डेंजर में हम लोग यहाँ पर है. ओके चलते नीचे नीचे गाइस. नीचे 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 भाई हमें कोई देख ना ले यार. फटाफट से नीचे चलते हैं भाई. क्या मतलब मस्त स्पाइडरमैन बन चुका भाई. मतलब यहाँ पर माइकल भी बहुत ज्यादा खतरनाक यार. ओके वो तो माना है देखो. चलो ओ भाई यहाँ पर लोग यहाँ पर शायद इसको टॉर्चर कर रहे हैं. ओके तो गाइस यहाँ पर ना एफबीआई वाले इस बंदे को ना टॉर्चर कर रहे हैं. पता नहीं से कुछ पूछ रहे हैं और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि माइकल को ना इसको बचा के यहाँ से लेके जाना है. तो गाइस अभी देखो कितना पूरा टॉर्चर कर रहे हैं इसको भाई. मार रहे इससे बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलो हम लोग ना फटाफट से ना अंदर जाते एंड गाइस यहाँ पर इसको बचा लेते हैं एंड फटाफट से निकलते हैं गाइस. ओके अभी हम इसको गन के पॉइंट पे लेके जा रहे. हम लोग को फ्रैंकलिन पे जाना है जल्दी जल्दी से. ओके चलो गाइस. ओके आप अपने को यहां से मारना है. मार. ओके मार मार उसको. मार एक गया. एक गया. एक गया. उसको मार. इसको मार. नाइस. एक और गया. इसको भी मार. एक और गया. इसको मार. एक और गया. बहुत सही. बस ये बचा लास्ट. ये भी गया. बहुत सही. अभी और आ रहा है. और आ रहा है. और आ रहा है. उसको मार. उसको मार. पूरा पूरा. ये रहा. गया. ये गया. अरे जॉर्ड बहुत सही. अब जा रहा है भाई. गाइस तो अभी तो मिशन का ये वाला है. ओके गाइस मार्को माइकल को पूरा बचाना है. इसको गोली नहीं लगी देनी है. ओके माइकल तू निकल निकल. माइकल निकल भाई निकल तू. ओके नाइस कुमार. अरे यार राइट थोड़ा. ओके अब रीलोड होने दे. ओके 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 भैया हां बचा. अभी तो बचा है कि अभी भी बचा है. अभी कोई बचा है गाइस. अब स्विच कर. स्विच कर. स्विच कर. अरे कैरेक्टर स्विच कर. ओके ओके गाइस अपने को माइकल पे जाना पड़ेगा वापस. लेट्स गो. अब ऊपर ऊपर चल. इसको मारना पड़ेगा. ओके गया गाइस. इसको भी मार 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 मार.
भाई रीलोड करना पड़ेगा, चल चल निकल ऊपर निकल ऊपर निकल ऊपर निकल, इसको छोड़ दो, बाकी इसको फ्रैंक ऐसे नहीं निकल पाएंगे, इनको मारना ही पड़ेगा, तब जाके निकल पाएंगे। चलो गाइस अभी फटाफट से निकलते हैं इसको लेके, ट्रैवल में हमारा वेट कर रहा है, जल्दी से चलते ऊपर फटाफट से। गाइस भी आ चुके इसके पीछे, ओके अब हमको फिर से इनको हेलीकॉप्टर को मारना है, चॉपर्स को मारना है, ओके इसको मार के क्लोजेस्ट टू करे, ओके गाइस ये कॉस्मोन में उड़ा दिया भाई तूने कुमार, ओके ओके भाई क्या कर रहे, ये रॉकेट रोके छोड़ रहे हैं, ओके गिर गया, गिर गया, एक दो जा रहे भाई, एक तो क्या, एक मेरे नजदीक में ही आ रहे ये लोग भाई, मार भाई बच गया, मार भाई को गंदी को बचनी आराम से, ओ गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, ये भी गिर गया, नाइस इनको कोई गिरा नहीं शायद ये, हां वो गिर रहा है शायद, भाग रहे हो क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, बच के निकल गए वो, ओके अभी अपन को चेंज करना पड़ेगा, अभी हम लोग माइकल बन जाते जल्दी जल्दी से, माइकल या ट्रेवर में से, ओके भाई लोग तो हम लोग अभी माइकल बन चुके, अपने को इन दोनों को, इन दोनों चॉपर्स को गिराना है भाई जल्दी से, ओके मेरे को दे दे भाई मैं गिराता हूं, ओके दे 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 मेरे को दे छोरे, एक गोली लगी नहीं, मैं ही मारूंगा भाई आज तो, ये ले ये ले ये ले ये ले, नहीं सब ये वाला चॉपर उड़ा, चॉपर उड़ाना है बस अपने को अभी, बहुत चाहिए भाई, दो दो चॉपर आ रहे, एक और आ गया, अरे तू कहां गोलियां मार रहा है भाई, भाई मार तो मैं सही रहा हूँ, ये ले ये ले, लग तो रानी है पर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, गया, एक और गया, लास्ट बचा है अभी, इसको भी ठोक साल देखो भाई, क्या मिशन है ये, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस, सालो उड़ो, ये लो लास्ट चॉपर बचा है, मर जाना यार, ये भी गया भाई लोग, ड्राइवर बन जाओ, उड़ाना है प्लेन भी, ओके गाइस ओके भाई लोग तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से ना यहाँ से निकलते हैं भाई, अपने चॉपर की भी हालत आप लोग देख लो क्या ही खराब हो चुकी है, तो यहाँ से ना हम लोग जल्दी जल्दी से निकलते हैं फटाफट से भाई, हमने इसको बचा लिया बंदे को, पहुंचते हैं भाई, क्या ही खतरनाक मिशन था भाई, कितनी गोलियां चली भाई, आप लोग देख ही लो भाई लोग, तो चलो भाई लोग जल्दी जल्दी से हम लोग वापस मीटिंग पॉइंट से हम लोग उड़े थे वही पे, इसको वापस लेके जाते इस बंदे को, और भाई इस हेलीकॉप्टर को चलाना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, मतलब ये बंदा मेरे को लग रहा है कोई जरूरी बंदा है, और तभी इसको हम लोग वहां से लेकर आए, तो गाइस अभी ना फटाफट से चलते हैं, पर गाइस गलत चीज है, हमने ना अब और भी आईएए के साथ भी हमने पंगा ले लिया, के साथ नहीं एफबीआई के साथ भी पंगा ले लिया, एफबीआई नहीं वो आईएए थी, वो अलग थी और एफबीआई अलग है, हमने दो अलग अलग उनसे पंगा ले लिया, और भाई गलत फंस चुके हम, ओके नाइस मैंने लैंड कर दिया, उतरो भाई उतरो, चलो गाइस यहां पर जो हमारा बंदे वेट कर रहे हैं फटाफट इसको उतारते हैं, इनको दे देते हैं जल्दी से, एंड गाइस यहां से फटाफट निकलते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो गया है, और ये लोग इसको लेके जा रहे हैं भाई, ओके भाई लोग तो उस बंदे को तो ये लोग लेके जा चुके हैं, एंड गाइस यहां पर ट्रेवर काफी ज्यादा खुश हो चुका है, ओके भाई लोग तो अभी ट्रेवर जो है वो तो हेलीकॉप्टर लेके निकल गया भाई, अब इसको जाने देते हैं ये बंदा, और भाई देखो ये निकल गया भाई, फटाफट हेलीकॉप्टर लेके निकल गया भाई, बोल मेरा हेलीकॉप्टर भी जा चुका है और ट्रेवर भी निकल चुका है, तो हम लोग यहां से फटाफट से निकलते हैं, मिशन तो हो चुका है बहुत खतरनाक तरीके से, तो गाइस यहां पर मिशन भी अपना पास हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो यहां से हम लोग फटाफट से ना निकल लेते हैं भाई जल्दी से जल्दी, ओके भाई लोग तो हम लोग ना वापस यहाँ पर पहुंच चुके हैं ट्रेवर के पास, और गाइस यहाँ पर ना जिन बंदों ने हमसे वो काम करवाया था, मतलब उस बंदे को उठवाया था, उनके पास हम लोग वापस आ चुके हैं, हम लोग ना बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं गाइस क्या सी, ओके भाई लोग तो यहाँ पर ना भाई इन लोगों ने तो भाई इस बंदे को एकदम बंद करके रखा हुआ है भाई, पकड़ के रखा हुआ है भाई, इसको लगा था कि ये इसको छुड़ा रहे, लेकिन भाई ये लोग पता नहीं इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, देखता हूँ मैं क्या सीन है, ओके भाई लोग तो इन्होंने क्या कर लिया भाई, इसके ऊपर मशीन लगा दी है सच और झूठ वाली, अगर कोई झूठ बोले तो पकड़ा जाता है, सच बोले तो पकड़ा जाता है, मतलब पता चल जाता है, तो ये लोग अभी इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मशीन लगा के, अगर ये झूठ बोलता है तो भाई इन लोग को पता चल जाएगा, तो भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब यार आगे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, हम लोग को बहुत ही खतरनाक खतरनाक लोग मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पर भाई अब ट्रेवर तो भाई शायद टॉर्चर करने वाला है इसको, ओके भाई लोग तो अभी ट्रेवर जो उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इसके साथ फटाफट से हाउस, पता नहीं किसके हाउस जाना है, हमारे हाउस जाना है, इसके साथ जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, बट चलो लोग फटाफट से गाड़ी पे बैठते हैं फटाफट, और कैसे हमेशा ना ये मुझे गाड़ी ड्राइव करने के लिए दे देता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग चला लेते हैं, खुद ड्राइव नहीं करता, हमें दे देता है, बट कोई बात नहीं चला लेते हैं हम लोग इसकी गाड़ी, वैसे भी इसकी गाड़ी ठीक ठाक है, मस्त है, फास्ट है, बस अपने पास ही कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, बट वो भी हमारे पास भी आ जाएगी जल्दी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो चलो फटाफट से गाइस मैं पहुंचता हूँ लोकेशन पे, ओके भाई लोग तो हम लोग ना इसके घर पहुंचने ही वाले हैं, और अपने घर जा रहे हो भाई, नहीं अपने घर नहीं भाई, ये इसका घर है, हमारा घर भी इसी लोकेशन के पास है, लेकिन हमारा घर नहीं है, ओके हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, एंड यहाँ पर तो भाई पूरी के पूरी भाई रिपोर्टिंग क्या चल रही है भाई, ओके भाई लोग वो तो घर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ना गाइस ड्राइवर देखो भाई इसके साथ क्या कर रहा है भाई, ड्राइवर तो भाई इसका बुरा हाल करने वाला है भाई, ये सच नहीं बता रहे तब से, ओके भाई लोग तो अब अपने को ना चीजें उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना ऐसे नहीं मानने वाला है, तो फटाफट से ना ये उठाते हैं, एंड इसको भी ना मजा चखाना पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे सच नहीं बोलने वाला, झूठ बोल रहा सच, ओके भाई लोग तो अरे ये ले ये ले ये ले, इसका एक ना दांत ही खींचना पड़ेगा मुझे तभी ये मानेगा, ओके भाई लोग हमें ना इसका भी एक दांत निकालना है भाई, क्या ही मिशन मिल रहे हैं भाई, ओ भाई
भाई कितना बेदर्द है ये ट्रेवर। भाई इसका एक दांत ही निकाल दिया भाई, इसने इसका एक दांत निकाल दिया भाई। भाई अब तो बोल ले कुछ सच, अब तो सच बोल दे भाई। ओके भाई लोग, तो गाइस यहाँ पर ना माइकल और ये जो ये बंदा जो भी है डेव या कौन था ये बंदा, तो ये लोग घर पे गए थे ना गाइस। वो घर तो भाई मतलब वो सही एड्रेस नहीं था, वो गलत एड्रेस था। तो ये लोग कॉफी वॉफी पी रहे थे। तो मैं लोग अब लोगों को नई जगह पर जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से ना गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। ये हमारे को गलत एड्रेस देता, अभी वो सही एड्रेस दे रहा है वो भी नहीं हमारे को पता है। अब हम देखते हैं, तो फटाफट से मैं लोकेशन में पहुंच जाता हूँ। वहाँ पर ना ट्रैवर तो भाई उस बंदे की अच्छी खासी खातिरदारी कर रहा है भाई, वो तो भाई बुरा हाल करने वाला है उस बंदे का। ओके भाई लोग, हम लोग लोकेशन पे तो पहुंच चुके। मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ कार पार्क कर देता हूँ एंड ये जगह सही है कि भाई ये जगह सही है कि नहीं। हाँ वही। ओके तो ये अभी ऊपर जा रहे हैं छुपते छुपाते। भाई इनके हाथ में क्या है भाई? भाई ब्रीफ केस में कुछ बम। हम लोग यहाँ पर लोकेशन पे पहुंच चुके। ओ स्नाइपर। और गाइस यहाँ पर ये बंदा तो भाई बिल्कुल कुछ बता ही नहीं रहा भाई, तो हम लोग ना अभी ही रुक जाओ। इससे शॉक देना पड़ेगा भाई इसको। अब इसको शॉक देते, ऐसे नहीं मानेगा ये। अब इसको शॉक देने पड़ेंगे भाई। ये बताएगा हमारे को उस बंदे की लोकेशन, जिस बंदे को हमारे को मारना है। वही वही वही। और ये बता नहीं रहा है बंदा। ओके तो अब इसको देते हैं गाइस शॉक। ड्रेट वन ड्रेट तो बता 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 जल्दी बता दे भाई, बता दे बता दे जल्दी भाई। ये नाम बताने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। चलो भाई चलो रुक जाओ, ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसे नहीं मानेगा ये भाई। बता क्यों नहीं रहा ये भाई? मर जाए बस, बस छोड़ दे मर जाएगा भाई। ओ भाई ये बता ही नहीं रहा भाई, शॉक से भी इसको कुछ नहीं हुआ। ए जल्दी बता। ओके भाई लोग, कुछ कुछ चीजें ने बताई कि वो किस तरीके का दिखता है बंदा। भाई उन लोगों को लोकेशन पता चलनी चाहिए। फाइंड अ टारगेट। ओके अब हमारे को गाइस उसकी तरह बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस यहां पर ना काफी सारे बंदे हैं। ये तो नहीं भाई वो कहीं वाला दाढ़ी वाला लग रहा है ये है। अब भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा यार वो कौन सा बंदा है यार? भाई वही तो समझ नहीं आया यार। ये लग रहा है मुझे तो, ये जो इसके साथ अभी आया ये वाला भाई। हाँ ये हो सकता है, शक्ल भी लग रही है गैंगस्टर टाइप वाली। या फिर ये भी हो सकता है जो पीछे बैठा है। या फिर राइट में देख सकता, राइट में कहीं और। यहाँ पर भी नीचे एक बंदा आया, ये भी हो सकता है। राइट में ऊपर को देख, राइट में ऊपर वाली फ्लोर पे देख, ये वाली यहाँ पे। तो गाइस अभी अपने को ट्रैवर पे स्विच करना पड़ेगा यार, यहाँ पर तो सीन हो गया है भाई। हमारे को फिर से देखना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, फिर से पूछना पड़ेगा भाई, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली हमें पता नहीं चला है। तो भाई अभी इससे पूछना पड़ेगा अच्छे से। ओके भाई लोग, तो अभी अपने को यार कुछ और यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये नहीं मानने वाला यार। मतलब कुछ खतरनाक है, टॉर्चर करने वाला मशीन को यार। ये उठाते हैं जरा, ये खतरनाक क्या बोलते हैं उसको, फावड़ा भाई। ये मानने को तैयार ही नहीं है, बताने को तैयार ही नहीं है भाई, क्या करे यार। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई अभी तेरे को बताना पड़ेगा। ओके इसकी टांग तोड़नी पड़ेगी भाई, अभी एक टांग तोड़ दी। ओके बता। ओ इसको अभी इंजेक्शन लगा देते भाई, क्योंकि भाई ये तो मरने की हालत में आ गया भाई। ये ले। ओके इसको वापस जिंदा भी कर दिया हमने भाई। क्या यार ये बंदा बता ही नहीं रहा भाई, कितना खतरनाक बंदा यार। बता अब शायद बताएगा, ये अब शायद बता देगा भाई। हेलो भाई मर तो नहीं गया ना? ओके ओके जिंदा है अभी तो जिंदा है भाई। बता दे यार क्यों इतना हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके भाई लोग, तो अभी जितना उसने बताया भाई मेरे को चेक करना है। यहाँ पर देखो दो बंदे तो ये है, एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, तीन यहाँ पर है और एक बंदा ये है। दो बंदे यहाँ पर, तीन दो बंदे यहाँ पर ये बैठ के बातें कर रहे हैं। ये भी आया वो है, दो बंदे ये खड़े हैं यहाँ पे, एक बंदा ये है। और राइट में देख एक ये लड़की है अकेली, एक ये लड़की है, बाकी तो ऊपर उस तरफ भी है, यहाँ पर इस तरफ भी है, यहाँ पर भी दो है। ट्रैवर पे स्विच करते हैं, उसे पूरी की पूरी चीजें बताते हैं। ओके भाई लोग, तो अभी ये ऐसे नहीं मानेगा ना, अपने को यही यूज करना पड़ेगा भाई, पेट्रोल को ही यूज करना पड़ेगा एट द एंड। ये ऐसे नहीं मानने वाला, बता ही नहीं रहा साला कुछ भी, इसी से डरेगा। अब डर रहा है, अब ये डर रहा है, अब ये बताएगा शायद, अब बताएगा। ओके भाई बेचारे को गिरा दिया है और अब इसके मुंह पे पेट्रोल ही पेट्रोल गिराते हैं अब इसके ऊपर गाइस। अब ये डरेगा भाई, अब ये डरेगा, अब तो ये अब तो इसको बोलना ही पड़ेगा। ओके मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पर इसके मुंह पे गिरा देता हूँ पूरा का पूरा पेट्रोल। अब आएगा मजा भाई, अब तो इसको बोलना ही पड़ेगा। चलो ओके सारा का सारा ही गिराना है भाई, थोड़ा भी पूरा ही गिरा देता हूँ भाई इसके मुंह पे। और बता क्यों नहीं रहा भाई, तू बता रहे थे जान बच जाएगी वही, तो भाई बताने का नाम नहीं ले रहा। कैसा इंसान है भाई, बोल भाई बोल। वो बोल ही नहीं पाएगा, हम इसके मुंह पे पेट्रोल ही डाले जा रहे उस टाइम से कर भाई। ये बंदा बोलने का, अरे भाई क्या लेगा भाई तू बोलने का यार, बोल दे भाई। ओके ए अब फिर से इंजेक्शन भाई, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
ओके भाई लोग, तो जो जिसको अपने को मारना है ना भाई, वो सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है, तो अभी सिगरेट कौन पी रहा है अपने को देखना। ये तो नहीं है, कभी ये लग रहा है, कभी ये लग रहा है कि सिगरेट यही पी रहा है, सब में से यही पी रहा है। सुनने दे I see someone. He fits the profile. Okay. Yep. Fits it all the way. I get a good feeling. Okay, ये हो सकता है. While clipping a guy who probably don't deserve. ठीक है, या फिर taking a shot. और कौन सिगरेट पी रहा है? बस यही पी रहा है भाई मेरे हिसाब से। Okay, चलो इसको उड़ाते हैं गाइस अभी। ठीक है, उड़ा दे। एक, दो, तीन. Okay. उड़ा तो दिया गाइस। यही था ना भाई? यही था क्या? Could be. अब बताओगे कोई हमको? ओके स्टीव इट्स डन। ओके हम लोगों ने इनको बता दिया, हम लोगों ने काम कर लिया है। ओके भाई लोग, तो ट्रेवर ना अभी इस बंदे को छोड़ रहा है, जाने दे रहा है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि इसको जाने मत देना, यहाँ पर बंद करके रखना, लेकिन ना ट्रेवर थोड़ा सा ना समझ लो ना, दिल का थोड़ा कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, तो अभी ट्रेवर ना इसको छोड़ रहा है। अभी ट्रेवर इसको छोड़ने वाला है, लेकिन अपने साथ ही अपनी कार में बिठा के लेके जा रहा है। नहीं लग रहा भाई ट्रेवर इसको छोड़ने वाला है, मेरे को लग रहा है ट्रेवर इसके साथ कुछ गलत करने वाला है, गलत पकड़ाने वाला है, किसी को बचा रहा है। तो चलो गाइस अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, शायद मेरे को लग रहा है ट्रेवर इसको एयरपोर्ट छोड़ने वाला है। ओके भाई लोग, तो हम लोग ना फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इसको ना छोड़ देते हैं फटाफट से, ताकि ये निकल जाए यहाँ से और फटाफट यहाँ से जो है ना इस शहर से भाग जाए। ओके भाई लोग, तो यहाँ पर जो ये मिशन है ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग ना एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही भाई, होपफुली आप लोग आज का एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो सब लोग गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 7 बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मतलब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, होपफुली आपको भाई होपफुली आपको आज के एपिसोड के अंदर जो है मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक और शेयर कर देना इस एपिसोड पे। जब जैसे इस एपिसोड पे गाइस 100,000 लाइक हो जाएंगे, तो हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड लेके आ जाएंगे GTA 5 का। तो गाइस लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का फेवरेट कौन है, माइकल, ट्रेवर, लेस्टर या फ्रैंकलिन या जो भी है, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। तो मिलता हूँ किसी और एपिसोड तक, बाय बाय।